एजा से ब्लॉक स्पेस से हटाना है तो एजा लिखा हुआ मिल जाएगा यूएन ब्लॉक, तो इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद में फिर से यूएन ब्लॉक पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों हेलो दोस्तों, मैं आपका हूँ नया वीडियो के साथ में। मैं इस वीडियो में बताना चाहता हूँ कि इंस्टा पर कोई के ब्लॉक करते हैं तो कहाँ जाकर हटता है और कहाँ से फिर से हटा सकते हैं। मेरे चैनल पर नहीं हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले चल जाते हैं इंस्टा पर। दोस्तों इंस्टा पर आने के बाद में ऐसा इंटरफेस खुलता है, तो उसके बाद में आ जाना है। ऐसा दोस्तों अपने प्रोफाइल का लोगो लोकेगा कॉर्नर में, तो इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद में ऐसा थ्री लाइन दिखाई देगा, तो दोस्तों उस पर क्लिक कर देना है। उस पर क्लिक करने के बाद में दोस्तों देखिए दोस्तों ऐसा लिखा हुआ आ जा है सेटिंग एंड प्राइवेसी, तो इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद में दोस्तों नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद में ऐसा देखिए ब्लॉक का ऑप्शन मिलता है, तो इस पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों जितना के ब्लॉक करे होंगे तो ऐसा खुल कर आ जाता है इंटरफेस। तो देखिए हम एगो के ब्लॉक लिस्ट में डाले हैं तो आ गया है। तो दोस्तों ऐसा से ब्लॉक लिस्ट में से हटाना है तो ऐसा लिखा हुआ मिल जाएगा यूएन ब्लॉक, तो इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद में फिर से यूएन ब्लॉक पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों ऐसा से ब्लॉक लिस्ट में से हट जाएगा। तो दोस्तों हटने के बाद में फिर से उसको से बात कर सकते हैं, चाहे कुछ भी होने से मैसेज आ सकता है, चाहे फिर से फॉलो कर सकता है। तो दोस्तों ऐसे ही वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।